दोस्तों, क्या आप गाय भैंस पालते हैं? तो ये खबर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि अब गाय भैंस पालने के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आप भी इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो हमारी इस खबर को एंड तक ज़रूर देखें। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में गाय रखने वाले किसानों को 40,783 रुपये और अगर भैंस है तो उसे 60,259 रुपये का लोन दिया जाएगा। हरियाणा में सरकार ने खेती बाड़ी के साथ पशुपालन करने वाले किसानों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। ये कार्ड पहले सिर्फ खेती करने वाले किसानों को ही दिए जाते थे। पशुपालन के काम में लगे हुए लोगों को भी पूरी तरह से किसान होने का दर्जा देना शुरू कर दिया है, जिसके बाद उन्हें पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ दिया जाने लगा है। दोस्तों, आपको बता दें कि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो गाय भैंस, बकरी पालन और मछली पालन जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस योजना में सरकार पशुपालकों को लोन देगी। अगर किसान के पास गाय है तो उसे 40,783 रुपये और अगर भैंस है तो उसे 60,259 रुपये का लोन दिया जाएगा। बता दें कि योजना के लिए दी जाने वाली राशि 6 बराबर किश्तों में दी जाएगी, जिसका फायदा लेने वाले को 1 साल के अंतराल में 4% ब्याज दर के साथ लौटानी होगी। इस योजना के अंतर्गत दी गई राशि पर ब्याज दर उसी दिन से लगेगी जिस दिन से पशुपालकों को पहली किश्त की राशि मिली होगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड 2022 के लिए जरूरी दस्तावेज किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, भूमि का विवरण, खसरा खतौनी आदि की नकल, पासपोर्ट साइज फोटो, सरलीकरण फॉर्म। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ। दोस्तों, योजना के जरिए किसानों को जरूरत के वक्त आसानी से लोन मिल सकेगा। पशुपालकों को लोन के लिए राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण सहकारी बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पशुपालक अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की जगह भी यूज कर सकते हैं। कार्ड बनने के बाद पशुपालकों, साहूकारों और बैंक के पास कोई भूमि गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं होगा। पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लेने पर 7% की दर से ब्याज दिया जाएगा। अगर कोई किसान समय पर ऋण की रकम वापस नहीं करेगा तो उसे 3% की ब्याज देना होगा। 4% ब्याज की छूट उसे सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगी। पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए ऐसे करें अप्लाई। इसके लिए सबसे पहले आपको CSC केंद्र पर जाना होगा। उसके बाद CSC केंद्र संचालक को सभी जरूरी दस्तावेज देने होंगे। फिर CSC केंद्र संचालक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। फिर बैंक आपके पशु क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच के बाद पशु किसान क्रेडिट कार्ड 15 दिन के अंदर बनाकर आपको दे देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।